दोस्तों, आयुर्वेदिक हेल्थ समाधान में स्वागत है आपका। दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे बालों की, स्किन की। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर हम अलग अलग तरीके के कारगर उपाय करते हैं। इन्हीं सारी समस्याओं में एक समस्या है ब्लैक स्किन की, यानी काले रंग की। काले रंग में क्या होता है ना कि जिन लोगों को काला रंग होता है वो अक्सर ये सोचते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं कि हम काले रंग को सफ़ेद कर सकते हैं या काले रंग को थोड़ा गोरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखेंगे तो कई ऐसे पुराने अभिनेता अभिनेत्री हैं जिनका समय के साथ रंग साफ़ हुआ है। आप काजोल जी को देख सकते हैं, आप हेमा जी को देख सकते हैं, आप कई लोगों को देख सकते हैं कि उनका रंग समय के साथ साफ़ हुआ है। लेकिन कैसे साफ़ हुआ है, आइए हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घर में ही कुछ घरेलू उपाय करने होंगे। मार्केट में एक तेल आता है, उसका नाम है फिगेरो। फिगेरो ऑयल को आप यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को वॉश करना है, अपने फेस को वॉश करना है। बहुत अच्छे साबुन से अपने फेस को वॉश कीजिए, फिर ठंडे पानी की जो 2-3 बूंदें ले लीजिए और फिगेरो ऑयल की 3-4 बूंदें ले लीजिए। आप उसको बहुत अच्छे से पूरे दोनों हाथों में रब कीजिए और रब करने के बाद उसको अपने फेस पर लगा लीजिए। इसके बाद आप करीबन 15 से 20 मिनट उसको छोड़ दीजिए, 20 मिनट आधे घंटे आप उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप एक रोईदार तौलिए से अपने फेस को पोंछ लीजिए। आप ऐसा यदि एक महीना करते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो रंग है, अगर काला है तो सांवला हो जाएगा, सांवला है तो थोड़ा सा ब्रिटिश में आ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपका डे बाई डे बहुत ज़्यादा फेयर होता चला जाएगा। एक और तरीका भी है दोस्तों, वो ये है कि हमारी जो रसोई है इसमें आपको अक्सर हल्दी मिल जाएगा, बेसन मिल जाएगा। तो हल्दी और बेसन, एक एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच बेसन मिला लीजिए, दोनों को बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और रात को सोने से पहले आप फेस पर उसको रब कर लीजिए, अच्छी तरीके से लगा लीजिए और सुबह उठ करके धो लीजिए। तो ये भी आपके रंग साफ़ करने के घरेलू उपायों में से एक है। एक और चीज़ है दोस्तों, वो उपाय ये है कि मुल्तानी मिट्टी, अक्सर आप मार्केट में जाते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी किसी से भी बोल सकते हैं, वो आपको मार्केट का बंदा दे देगा। मुल्तानी मिट्टी और मार्केट में ही आपको गुलाब जल भी मिल जाएगा। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें, रात को सोने से पहले उसको लगा लें और सुबह उठ करके उसको धो दें। तो इससे आपकी स्किन का टोन थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपका रंग थोड़ा धीरे धीरे ब्राइट हो रहा है। इन्हीं घरेलू नुस्खों में, इन्हीं घरेलू उपायों में एक और उपाय है, ग्लिसरीन नींबू, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स कर लीजिए, एक बॉटल में उसको रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला लीजिए और उसको क्या कीजिए कि बहुत अच्छे से फेस पर रब कर लीजिए। ग्लिसरीन और नींबू का रस दोनों में अच्छी तरीके से रब कर लीजिए और आधे घंटे बाद उससे अपने चेहरे को फिर किसी तौलिए से साफ़ कर लीजिए। आप टमाटर, आप सभी की रसोई में मिलता है टमाटर का रस और हनी, एक चम्मच हनी और टमाटर का रस, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पर और गर्दन पर, बाहों पर, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको कलर फेयर करने की आवश्यकता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खूब रब कर लीजिए और आधे घंटे बाद खूब बढ़िया सा पोंछ करके और ठंडे पानी से धो दीजिए। दोस्तों, ये वो घरेलू उपाय हैं, यदि आप जिनको करते हो तो आप देखते हो कि नियमित रूप से आप अगर आप करते जाते हो डे बाय डे, 2 दिन पे 4 दिन में या हफ्ते में भी एक बार, तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि इनमें हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बाज़ार के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमारे स्किन पे रशेस का, ब्लैक हेड्स का या मुहासे का या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स का या साइड इफ़ेक्ट्स का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो आना ही नहीं है। हाँ, आपकी स्किन को एक जो सौंदर्य वाली त्वचा होती है, जो नेचुरल स्किन होती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो ग्लो आपकी स्किन को मिलेगा और आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है जो बिल्कुल डल है, आप उसको धीरे 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 वो आपका फेयर होता चला जाएगा। और जब जो आप अंदर से बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, अरे यार शर्मिंदगी है, मैं किसी के साथ जा नहीं सकता, शादी के लिए कोई किसी को देखने आता है और आपका कलर डल होने के कारण आपको नहीं पसंद कर पाता, तो आपका ये जो अंदर से एक हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के उपाय को कीजिए और इससे अपना जो आपका रंग है उसको आप धीरे धीरे बहुत फेयर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें कि आपको ये इसमें और क्या क्या जानकारी चाहिए। और यदि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, अपने नीडी दोस्तों के बीच में, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।